शानदार तेजी देखने को मिल रही है इस वक्त गोल्ड में, और हम देख रहे हैं कि अपने लाइफ टाइम हाई, नए शिखर पर सोना पहुंच चुका है। इसके पीछे के फंडामेंटल्स पर हम आगे चर्चा करेंगे, और सभी एक्सपर्ट्स की रणनीति क्या है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तीनों ही मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, गोल्ड पर अपनी राय दीजिए। एक तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, फंडामेंटल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? क्या ये मजबूती आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू होते हुए दिखाई देगी? क्योंकि ओवरऑल अगर माहौल देखें तो अब फेड के ही फैसले पर नजर है। वैसे तो अब 0% चांसेस हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी, और उसी का असर हम बॉन्ड मार्केट और डॉलर पर भी देख रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये जो तेजी है, सारी खबरें तो ऑलमोस्ट फैक्टर इन हो चुकी हैं, तो ये तेजी और कितनी कंटिन्यू आगे रह सकती है? देखिए, अगर जो इटी नाउ के जो शोज में मैं कंटिन्यूसली लास्ट 3-4 महीने से यही कह रहा हूँ कि जो सोने की जो चमक है वो कंटिन्यू रह सकती है। इसकी जो मेजर कारण है इंटरनेशनल मार्केट में जो बॉन्ड यील्ड है, अगर आप देखिए जो 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड है और अगर 10 ईयर्स ट्रेजरी यील्ड है, वो पीक आउट हो चुका है। तो जो बेली कर्व होता है, अगर आप फंडामेंटली देखें कि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो भी एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। आज के कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑलमोस्ट 7% पे आ चुका है। तो ये लेवल पे इंडस्ट्री और डिमांड्स काफी निग्लिजेंस हो चुके हैं। तो अगर यूएस अपनी ट्रेजरी यील्ड कम करना स्टार्ट करेगी तो ये जो निवेश है जो फिक्स डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स में थे वो निकल के या तो इक्विटी मार्केट में आएंगे या कमोडिटी मार्केट में आएंगे। और यही है जो मार्केट में आपको देखने मिल रहा है कि प्राइस में जो उछाल है, जो इक्विटी मार्केट्स में देखने मिल रहे हैं और जो कमोडिटी है, ये हो रहा है कि पैसे मूव होना स्टार्ट हो गया है। एंटिसिपेट करिए कि फर्स्ट से सेकंड क्वार्टर ऑफ 2024 यहाँ पे काफी लंबी तेजी आने की गुंजाइश है। प्लस 2024 में यूएस का भी इलेक्शन है और इंडिया का भी इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको वोलेटिलिटी आएगी। मैं रेकमेंड करूंगा कि सोना काफी सेफ हेवन बाइंग है, ना ही जियो पॉलिटिकल के हिसाब से कि ना इसके हिसाब से कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे मूव इन, यानी अगर आप एक्सपेक्ट करो कि प्राइस में जो सेफ हेवन जो डिमांड होगी वो मूव इन होगी गोल्ड में और इक्विटीज मार्केट में, तो ये जो तेजी है वो बरकरार रह सकती है। और अगर यही कंटिन्यू हुआ तो मैं ये साल के अंतराल तक $2100 और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो एटलीस्ट यहाँ से और ₹1000 की रैली देखने मिल सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि हर डिप पे बाय करके चल सकते हैं। इंट्रा डे प्रोस्पेक्टिव से भी यहाँ पे आपको एटलीस्ट ₹200 से ₹300 की और तेजी आने की गुंजाइश है। बट पोजिशनली ये जो काउंटर है ये 70,000 का लेवल आपको दिखा सकता है आने वाले समय में, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10% की रैली 2024 में। तो लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए तो डेफिनेटली एक फायदे का सौदा रहेगा। मैं फिजिकली या ईटीएफ या फ्यूचर्स तीनों में रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी पोजिशन बिल्डअप करें। इसमें अपनी जो जो आप यूजुअली सब कहते हैं कि 5% अपने पोर्टफोलियो का इसमें निवेश करते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको इंक्रीज करके आप 10% कर दीजिए। ओके, तो यह है सलाह गोल्ड पर धर्मेश जी की तरफ से। सचिन जी, अब आपसे भी समझना चाहेंगे, आप सोने की इस तेजी को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन अब आगे तो कम ही होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फेड के फैसले, फेड अभी भी कॉशियस है आगे की ट्रेजेक्टरी को लेकर और महंगाई की चाल को लेकर। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फेड की बैठक से कॉमेंट्री किस तरह की होगी, और क्या उसका कुछ असर आने वाले समय में आप सोने में देख रहे हैं? अगर कोई ट्रेडर है तो इन स्तरों पर वो क्या करे? या गुड मॉर्निंग पूजा। वेल, ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो एट प्रेजेंट अभी जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए। जिस तरीके से प्रीवियसली स्टेटमेंट की अगर हम देखें फैट की साइड से, तो ये साल में इंटरेस्ट रेट की 0% चांसेस है इंक्रीज होने के, बट 2024 के लिए उनकी साइड से कुछ एक स्टेटमेंट में रिलीज किया गया था कि एक अग्रेसिव स्टैंस जो है वो लिया जा सकता है अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। तो हो सकता है अगर इन्फ्लेशन नंबर्स वापस से कुछ बढ़ते हुए नजर आते हैं या फिर कांस्टेंट होते हुए नजर आते हैं तो फैट की साइड से अगेन कुछ एक्शंस लाइक कुछ इनिशिएशंस जो है वो इंटरेस्ट रेट को लेकर लिए जा सकते हैं। बट अगर अब इस साल की बात करें तो इस साल में हमें लगता है कि अभी भी जो बाइंग है वो अभी कंटिन्यू होनी चाहिए, बिकॉज ओवरऑल जो है वो पोटेंशियल्स काफी नजर आ रहा है एट प्रेजेंट गोल्ड एंड सिल्वर में। सो ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पर बाय रणनीति कंटिन्यू करनी चाहिए। वेल, आज के ट्रेडिंग सेशंस में अगर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करें तो करीब 6,200-6,900 के आसपास में प्रेजेंट गोल्ड के प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। करेंट मार्केट प्राइस से मुझे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं लग रहा है। सो आई एम रिकमेंडिंग हियर बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी। मुझे लगता है करीब 62,750 के आसपास में अगर प्राइसेस मिलते हैं तो वहां से वन कैन लुक फॉर दी बाय। डाउनसाइड स्टॉप लॉस 62,550 का रहेगा। अपसाइड में मुझे लग रहा है एक बार 63,100-63,200 तक के टारगेट्स यहाँ पर जो है वो इंट्राडे में और 1 से 2 ट्रेडिंग में देखने को मिल सकते हैं। वेल, शॉर्ट टू मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए ओवरऑल गोल्ड अभी भी पॉजिटिव साइड में ही नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें लगता है कि करीब
66,000 तक के भी टारगेट्स जो है वो लॉन्ग टर्म में यहाँ पर गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो यह है सलाह गोल्ड पर। ट्रेडिंग रणनीति भी आपको दे दी गई है। दोनों ही एक्सपर्ट का मानना बाय ऑन डिप्स का मार्केट इस वक्त दिखाई दे रहा है गोल्ड के लिए। अखिलेश जी, आप भी क्विकली अपनी सलाह दीजिए, सोने में कैसे ट्रेड करेंगे, किन लेवल्स को वॉच कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग पूजा, जैसे मेरे साथी एक्सपर्ट्स ने कहा, यस गोल्ड के फंडामेंटल प्रॉपर प्रेस्ड हैं और बहुत ज्यादा बुलिश लग रहे हैं। स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जो इस तरह के सिनेरियोस बनते हैं जब कोई कमोडिटी लाइफ टाइम हाईस पे या लोस पे जाती है, तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स होते हैं वो उसी डायरेक्शन में लगते हैं। जैसे डॉलर का यहाँ पे वीक होना, ट्रेजरी यील्ड्स का डाउन होना, इन्फ्लेशन का भी बिल्कुल बिल्कुल कम होना, एंड और जो फेड है उसके पास भी इस तरह का कोई कुशनिंग नहीं होना कि इस पे कोई वो फर्दर मेजर एक्शन ले पाए। तो ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है, नो डाउट यस इट्स अ वेरी बुलिश। चार्ट्स पे मैं बात करना चाहूंगा, अगर हम पोजिशनल चार्ट्स को देखें गोल्ड की, तो गोल्ड अभी जिन प्राइसेस पे ट्रेड कर रहा है वहां पर ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स लास्ट थ्री ईयर से, 2020 की बात करें जहां पे इसने 2070 का एक हाई बनाया था कॉमेक्स के अंदर, वहीं 2022 और 23 में भी इसने यही भाव के आसपास के हाई बनाया और वहां से एक फर्दर हमने करेक्शन देखा 200 पॉइंट का। बट इस टाइम जो कंडीशंस है इकोनॉमी में वो काफी ज्यादा फेवरेबल लग रही है, और मुझे लग रहा है कि यस अगर गोल्ड इस वीक कॉमेक्स में 2023-24 का क्लोज देता है और ये क्लोजेस रहते हैं, तो आने वाला जो टाइम है 1 से 1.5 साल वो काफी ज्यादा बुलिश लग रहा है मुझे। और आने वाले 1 से 1.5 साल में अगर ये लेवल्स को मेंटेन करता है, ब्रिज नहीं कर पाता, तो टेक्निकली भी यहाँ पर 15-1% की रैली देखने को मिल सकती है, विच इज अराउंड $2,500 तक भी मुझे लगता है अगर, क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग कंसोलिडेशन, 3 से 4 साल का कंसोलिडेशन है। तो अगर वो लाइक कंसोलिडेशन रन हुआ और बहुत ज्यादा तेजी एक बार देखने को मिलनी चाहिए, तो मेरा भी ओवरऑल जो सिनेरियो है गोल्ड के अंदर वो बाय ऑन डिप्स का है। बट यस बिल्कुल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो इन लेवल्स का ध्यान रखिए, 2023-24 की जो क्लोजेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और अपसाइड जो रेजिस्टेंस है 2075 का रहेगा। इस रेंज में मार्केट बिकॉज थोड़ा टाइम ट्रेड करा सकता है, एक्सपायरी भी नियर है, बट मुझे लगता है कि जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो बुलिश है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए जो लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हैं, और जैसे साथी मेरे गण ने कहा कि यस उसका जो पोर्टफोलियो में परसेंटेज है डेफिनेटली बात है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो इट्स एक्सट्रीमली बुलिश कमोडिटी, टेक्निकली भी बहुत अच्छा लग रहा है जी। बिल्कुल, तो टेक्निकली तो काफी अच्छा लग रहा है, तीनों ही एक्सपर्ट का मानना है, चार्ट्स भी हमने आपको समझाए। लेकिन सोने पर चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इस बीच जो कमोडिटी मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्शन दिख रहा है वो आज गोल्ड में है, और बाय बाय ये दिन नहीं आता, लाइफ टाइम हाई पर सोना पहुंच चुका है। तो सोने की इस लेवल्स को देखते हुए ये जो हम देख रहे हैं आज की, उस पर पेश है हमारा खास सेगमेंट सोना खरा खरा। ऊंचाई पर खास बातचीत करने के लिए भार्गव वैद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भार्गव जी, थैंक यू सो मच ईटीना स्वदेश को समय देने के लिए। आपके व्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट हुए, क्योंकि थोड़ा फंडामेंटल्स हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। पिछले 3 साल में देखें तो करीब करीब 30% सोना चल चुका है, और 1 साल में 19% की तेजी दिखा चुका है। कुछ ग्लोबल अनिश्चितताएं भी थी जिसकी वजह से हमने ये तेजी देखी, बट आपको क्या लगता है ये जो गोल्डन रन है ये और कब तक जारी रह सकता है? जैसे आई थिंक आप सभी एक्सपर्ट ने यही एक व्यू किया है अभी कि भैया यहाँ से बाय ऑन डिप्स, गोल्ड में मंदी नहीं है मगर बाय ऑन डिप्स, इतना रिटर्न आ गया है कि अभी इतना ज्यादा इमेजरी लग नहीं रहा है। शॉर्ट टर्म में एक स्पाइक आएगा जो ट्रेडर्स ले सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है आप प्रॉफिट जनरली नहीं बुक करेंगे, $50 ऊपर जाएंगे कोई बेचने जाएगा नहीं, तो उनके लिए वो मार्केट उस तरह से नहीं है, मंदी नहीं है, और जो इंटरनेशनल डिस्टर्बेंसेस है उस हिसाब से एक स्पाइक बड़ा आ सकता है, मगर वो होपफुली वर्ल्ड में शांति थोड़ी हो जाएगी तो वो करेक्शन भी आ जाएगा, यानी बाय ऑन डिप्स एंड ये जो मेजर रन है वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इट। मेजर रन कंप्लीट हो चुका है, तो मान लीजिए अगर मैं आज सोने में एंट्री लेना चाह रही हूँ अगले कह सकते हैं 5 से 6 महीने के लिए, फिर क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं सोने में? देखिए आप एक ये मार्केट से इमीडिएटली
एक $50 का जंप आ सकता है, और मगर वो लेवल पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और करेक्शन भी जितना ये फास्ट राइज हुआ है, एक करेक्शन आने के चांसेस काफी ज्यादा है। जैसे आप के सभी एक्सपर्ट में काफी टाइम आपसे जब भी जुड़ा था तो सभी ने एक बहुत अच्छी तरह आपको समझाया है कि भाई बाय ऑन डिप्स करिए, शॉर्ट मत करिए, बाय ऑन डिप्स करिए। लेके भी चले तो इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक स्टॉप लॉस लगा चलिएगा $50 यहाँ से। ठीक है, तो ये है सलाह सोने पर। राइट, बिल्कुल भार्गव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और सोने पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो सभी एक्सपर्ट का मानना, हमने फंडामेंटल राय भी यहाँ पर लेने की कोशिश की कि बाय ऑन डिप्स है, सोने में ये जो तेज़ी थी अब यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी नहीं, थोड़ा एक करेक्शन का भी समय आ सकता है, वहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश कीजिए। लेकिन ओवरऑल सोने में सभी एक्सपर्ट्स हमारे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, तो ये गोल्डन रन एंजॉय भी कीजिए जिसके पास है, और जिनके पास नहीं है उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा करेक्शन आएगा वहाँ पर आप एंट्री लेने के मौके ज़रूर ढूंढें। एक छोटे से